सर आप नाटक है धवनेश्वर मो नाटक अरे मोना धवनेश्वर को अब नाटक भूपेन साहब सर नाटक बैठिए लालमणि लुगुम आम आदमी पार्टी संबलपुर जिला आवाहक सर आप नाटक सुशांत कुमार पंडा नीतीश अग्रवाल हाँ सर आज हम लोग संबलपुर में आम आदमी के एक प्रेस मीट जो लाइट के ऊपर जो लाइट के ऊपर ही फेमस है आम आदमी लाइट एजुकेशन हॉस्पिटल में बहुत फेमस है इसीलिए उन्होंने पंजाब में विजय पाई और कई राज्यों में भी अपना नया खाता खुलेगा भी उनका जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है। तो सर सबसे पहले बताएंगे आज आप 9 तारीख को बोल रहे हैं एक आह्वान दिया है कि उड़ीसा सरकार को आप 200 यूनिट फ्री करो इसके ऊपर बताएँ सर आप क्या क्या कार्य करो। हम लोग पिछले 9 तारीख को भुवनेश्वर में एक ओडिशा स्तर का मीटिंग आयोजन किया था। हम लोग का ओडिशा प्रेसिडेंट आम आदमी के उनका नेतृत्व में और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अभी का समय में बिजली एक आवश्यक चीज़ है। जैसा कि हर एक आदमी को कपड़ा खाना और मकान उसी प्रकार बिजली जो है एक बेसिक आवश्यक चीज़ है। बिजली नहीं होने से एक आदमी अभी का समय में नहीं जी सकता है क्योंकि बिजली के द्वारा बच्चे पढ़ाई करते हैं, बिजली के द्वारा खेती हो सकता है, बिजली के द्वारा और अन्य अन्य काम भी होता है। सर आपका क्या डिमांड है सर अभी? तो इसको देख के आम आदमी पार्टी निर्णय लिया है कि 200 यूनिट तक ओडिशा में बिजली फ्री होना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक फ्री किया है और पंजाब में अभी जो नई सरकार बनी है वो भी 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने के लिए वादा किया है और आने वाले दिन में 300 यूनिट तक फ्री करने के लिए भी वो काम जारी है। तो सर आप एक तरफ कहते हैं फ्री फ्री बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, दूसरी तरफ ये प्राइवेट जो आए हैं ठेका ले चुके हैं और अभी उसका दाम 7 रुपया यूनिट, पहला कम था 6.5 से 6.5 सब 7 वाला होने वाला है। तो उसके लिए आप कुछ प्रतिवाद नहीं करते किस तरह बिजली का रेट भी कम हो और लोगों को आराम में हो सके? उसी के लिए हम लोग की लड़ाई जारी तो है। रेट के ऊपर कुछ नहीं करेंगे सर जिस तरह अभी रेट जितना लड़ाई जारी है क्योंकि ओडिशा सरकार के ऊपर में है। ओडिशा सरकार जो अपने चलाने के बजाय में देखिए 1996 के बाद में प्राइवेट कंपनी को दे दिया और प्राइवेट कंपनी को देने के बाद में कि लोगों तक सही बिजली सेवा नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं बिजली सर रेट जो लिया जा रहा है सर उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? अभी तक आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं निकाली कि जितना प्राइवेट वालों ने अब मनमानी चलती है सर, उसके लिए भी आपके आम आदमी कोई बाजार में नहीं आया, कोई फील्ड में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है संबलपुर, संबलपुर में बिजली पैदा होती है और यहीं पर लूटमारी है क्योंकि जब यहाँ पैदा होती है तो यहाँ वालों को कुछ सहूलियत मिलना चाहिए, कुछ आराम मिलना चाहिए बिजली के लिए, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा सर और ना ही कोई पार्टी यहाँ पर आवाज़ कर रही है। देखिए पिछले दिन में हम कई बार यहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास में हम लोग आंदोलन किए हैं और उसी आंदोलन सबको हम बड़ा रूप देने के लिए कदम रखे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रूप दीजिए, लोगों को भी आराम मिलेगा और लोग भी जाएंगे कि आम आदमी ने जिस तरह दिल्ली में तहलका मचाया, पंजाब में मिलाया, अब उड़ीसा की बारी, अब उड़ीसा में देखिए आप कितनी दूर पहुँच सकते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।